न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश भर के साथ रेवाड़ी में भी आज गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने भारत की आन बान शान तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चों और कलाकारों द्वारा अनेक मनोहारी और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय मंत्री ने देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज सभी प्रदेशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश को विकसित भारत बनाने में जुटे हैं। यही वजह है कि 100वीं वर्षगांठ पर देश विकसित भारत बनकर उभरकर सामने आएगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत में राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मैं किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूं। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी वह बखूबी निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, इसलिए विधानसभा चुनाव लड़ने से भी पीछे नहीं हटूंगा। देश भर के साथ आज रेवाड़ी में भी गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने भारत की आन बान शान तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चों और कलाकारों द्वारा अनेक मनोहारी और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। राव इंद्रजीत सिंह ने देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज सभी देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश को विकसित भारत बनाने में जुटे हैं। यही वजह है कि 100वीं वर्षगांठ पर देश विकसित भारत बनकर उभरकर सामने आएगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत में राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मैं किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूं। पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी वह बखूबी निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, इसलिए विधानसभा चुनाव लड़ने से भी पीछे नहीं हटूंगा, मगर पार्टी की ओर से मुझे अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह प्रधानमंत्री मोदी के रंग में रंगे दिखाई दिए। चुनावों को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है। यही वजह है कि भाजपा देश में पहले से अधिक सीटें जीतकर विजय पताका फहराएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के चुनाव अलग अलग होंगे। रेवाड़ी के माजरा गांव में प्रस्तावित एम्स के शिलान्यास को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन की वजह से एम्स के शिलान्यास में देरी हुई है, फिर भी पीएमओ की ओर से समय मिलते ही एम्स का शिलान्यास जल्द कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार, भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली, रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव, जेजेपी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सबरवाल, पूर्व जिला परिषद प्रमुख शशि बाला के अलावा एडीजीपी, डीसी राहुल हुड्डा, दीपक सहारन सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी व भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। रेवाड़ी से संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। प्रेरणा ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से कि इस 75वें के बाद जब हमारा 100वां सालगिरह आएगी गणतंत्र दिवस की, तो भारत एक विकसित देश बन करके उभरे। इस संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए हम सब लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि ये संभव है। एम्स का भी आपने कल निरीक्षण किया वहां जाकर के, कितनी देरी और कब तक हो जाएगा? देखो, एम्स जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नियुक्त हो गया है। कभी भी हो सकता है शिलान्यास, प्रधानमंत्री के ऊपर अब बात टिकी है आकर के। ये शिलान्यास जो राम मंदिर का हुआ था इसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत लंब हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर शायद फटाफट ही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर क्या कहेंगे? तमाम दावे भी किए जा रहे हैं कि पहले के मुकाबले सीट जाते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? लोकसभा चुनाव के लिए तो पार्टी हमेशा तैयार रहती है, विधानसभा के लिए भी तैयार रहती है। अब तो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा के अलग होंगे, लोकसभा के अलग होंगे, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव हमारे होने जा रहे हैं अगले 2-4 महीनों के अंदर, पहले की निस्बत ज़्यादा नफरी लोकसभा के MPs की हमको मिलेगी, ये हमको सभी को उम्मीद है। गणतंत्र दिवस पर जो 10 साल से ज़्यादा की कैद हो गई उनके लिए कानून लाया जाए कि 60 दिन की छुट्टी दी जाए, क्या ये तो मुझे नहीं पता कि ये कानून आ गया है कि नहीं आ गया है,
लेकिन अगर प्रस्ताव है तो अच्छी बात है। विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे आपकी बार, चर्चाएं इस तरह की, आप किस तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं लगातार चलती रहती है, आप किस तरह से देखते हैं? देखो मैं तो पार्टी के सिपाही के नाते जो पार्टी कहती है उसी हिसाब से सोचता हूँ, तो मेरे को तो पार्टी ने इस तरह का कोई संकेत दिया नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता।